हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगर साइंस कोच पटना। तो आज बायोलॉजी का एग्जाम था आप लोग को, तो कैसा गया एग्जाम एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और बायोलॉजी तो बायोलॉजी वाला के लिए ही बस की बात है। चलिए, कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट तो हो चुका है एक बार। बायोलॉजी वाला सर को भी कमेंट कर लो, कॉल कर लो, कहाँ है, अभी तक आए नहीं है। बट आंसर की बात रहेगा तो आंसर है मेरे पास कुछ, उसको हम बता देंगे। उसका बात रहेगा तो चलो। तो साउंड ठीक ठाक जा रहा होगा उम्मीद करते हैं हम, और बाकी कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर दो। चलिए, अच्छा गया, मस्त गया। चलिए, आपका एक भी नहीं लड़ा ऑब्जेक्टिव। चलिए, कोई कह रहा अच्छा गया, कोई कह रहा कुछ नहीं लड़ा। चलिए तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिला लेना अपना, जो भी आया सो आया, और क्या करोगे, जो आया सो हुआ सो हुआ, जो बीता जो बात गया। आगे हिंदी की क्लास होगी। चलिए तो हाँ, एग्जाम अच्छा जा रहा है ना। चलिए, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। चलिए, जिसको जैसा गया वो बतेबे करेंगे। तो आज हिंदी की भी क्लास होगी, आप हिंदी का क्लास कर लीजिएगा और उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी आप लोग की एग्जाम, ठीक है ना। चलिए तो मस्त गया। क्या सर, कुछ नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ बताओ। चलो तो अब आंसर लगवा देते हैं कुछ का, पता नहीं। अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपका हमसे अगर मिस हो तो ध्यान रखना, क्योंकि हम मैथ वाले टीचर बायोलॉजी का करवाएंगे, तो एक आध को अगर गलती रहे तो माफ करना, ठीक है ना। बट उम्मीद करेंगे गलती नहीं होगा, गलती होगा तो बाद में हम पिंच कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जल्दीबाजी में जानते ही हो कि बढ़िया बढ़िया से गलती हो जाती है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, और कमेंट को ना देखते हुए जल्दी से खाली एबीसीडीएम कर देते हैं, बाकी तो तुम लोग करिए लोगे। देखिए तो पहला का एक नंबर का क्या होगा से बताओ। तो एक नंबर का सबको पता होगा उम्मीद है, है ना, क्या है? हुलाक गिब्बन पाया जाता है, क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताओ सभी बच्चे कमेंट करके एक बार। चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं था सर। अब देखो, हम तो पढ़ाते नहीं हैं, तो ये शायद गिर राष्ट्रीय उद्यान से, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब देखो, बायोलॉजी है लंबी सब्जेक्ट हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। मैथ तो है नहीं, मैथ के जानकारी हमारे पास है तो मैथ की मैं बता सकता हूँ। ये क्या है, एंटीलॉप, मतलब ये विलुप्त प्रजाति शायद है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, दो का सी। तीन का रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो देखो, रेड डाटा बुक तीन नंबर, तो तीन नंबर का क्या हो जाएगा ये बता दो। तीन नंबर का क्या हो जाएगा ये बता दो। तीन नंबर का रेड सुभेद संकटग्रस्त, इसमें सब शायद आता है, इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व संरक्षण दिवस। देखो शायद ये क्वेश्चन इरर है हमारे समझ से, विश्व संरक्षण दिवस तो मुझे भी याद रहता है जी। चलिए तो विश्व संरक्षण दिवस मुझे तो पता नहीं, बट मुझे जितना दिमाग में है कि शायद 28 जुलाई को होता है, शायद 28 जुलाई शायद कोई ऑप्शन में नहीं था ये, है ना, 28 जुलाई। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रक्त में प्रतिजन पक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो शायद सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है इसका अध्ययन? इसका अध्ययन शायद सेरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांच का, अपना सेट मिला लेना, सेट बी है यहाँ। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है?
देखो कुष्ठ रोग जो होता है माइको बैक्टीरियम द्वारा होता है, माइको बैक्टीरियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? तो विषाणु जनित के मतलब एक तो एड्स होता है, हाँ तो एड्स और सिफिलिस होगा, बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन गर्भाशय स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय के स्तर कौन प्रत्यारोपित? गैस्ट्रुला सर। नेक्स्ट 9 नंबर, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो मानव भ्रूण कहाँ संरक्षित रहता है, ये ऑप्शन बताओ। चलिए फर्स्ट का गलत है सर आपका, ले फर्स्ट ए गलत है, चलिए अब क्या करें। चलिए अब जो भी गलत है सही आप मार दिए हैं ना, आपके एग्जामिनर चेक करके सही आंसर लगा देगा, ये बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट। नेक्स्ट, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो मनुष्य के विकास की ये परावैगनी रेडिएशन द्वारा शायद मापी जाती है। क्या है डायनासोर है, डायनासोर क्या है? तो डायनासोर विलुप्त सरीसृप है, बी इज द राइट आंसर। क्या है नेक्स्ट, सीनोजोइक युग जाना जाता है, सीनोजोइक युग क्या जाना जाता है? तो सीनोस स्तनधारी तथा उभयचर स्तनधारी, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आरएनए से जो डीएनए बनता है सी डीएनए कहलाता है, सी डीएनए कहलाता है, सी डीएनए कहलाता है। नेक्स्ट 14 नंबर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम, तो ये आवश्यक एंजाइम क्या होगा, देखो ध्यान दो, तो ये पॉलीमरेज पता ना क्या होता है, ऐसे टैक पॉलीमरेज शायद, डी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्या है, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? 15 नंबर, तो 15 नंबर क्या कहलाएगा, तो 15 नंबर आपका शायद वही जो मारा हुआ सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या मनुष्य में दाद की बीमारी, तो दाद की बीमारी मनुष्य में दाद की बीमारी किसके द्वारा? तो फंगस कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट, एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ, एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ एक कुंडलिनी, एक कुंडलिनी आरएनए होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करेगा? तो ये तो आप बचपन से जानते होंगे, राइजोबियम शायद नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट, फ्रैंकिया है एक, फ्रैंकिया क्या है? तो फ्रैंकिया एक है जैव उर्वरक, क्या है? जैव उर्वरक, क्या है? जैव उर्वरक। नेक्स्ट, क्या मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है? मरुस्थलीय क्या है? मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण, तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण शायद नागफानी पाया जाता है, तो नागफानी होगा। नेक्स्ट, शैलकर्मक होता है, तो शैलकर्मक क्या होगा? तो शैलकर्मक शायद जीवरहित नग्न चट्टानों, तो यानी सी इज हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका? तो शायद वायु का होगा, वायु का, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, 23 नंबर क्या था, निम्नलिखित में से कौन जैविक आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो ये तो डीडीटी सबको पता, पारा भी शायद होता है, तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी आगे बढ़िए, 4 बजे क्लास कर लीजिएगा हिंदी का, हिंदी का भी क्लास इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। रेडियो प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम, 24 नंबर का क्या आंसर होगा, तो ये होगा जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, हेरोइन क्या है, तो हेरोइन क्या है, हेरोइन है ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। नेक्स्ट आपका डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो 26 नंबर का क्या होगा, जिन्हें क्या, पेंटोसेस, हेप्टोसेस क्या पता नहीं, वही पेंटोसेसी शायद होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो किसके द्वारा देखा जाएगा, तो ये एक्सरे के द्वारा देखा जाता है, एक्सरे यानी बी इज द। नेक्स्ट इसका क्या है,
जब डीएनए के एक बिलगन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है तो क्या होता है, ये डीएनए में बदल जाता है, यानी डी इज द राइट आंसर, ये आरएनए में बदल जाता है। नेक्स्ट क्या है कि न्यूक्लिक एसिड किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो ये हो जाएगा शायद न्यूक्लियेजेज, बी इज सर। नेक्स्ट, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं, ये संजात अंगठी इज द आंसर। नेक्स्ट, पीसीआर टेक्निक के दौरान, पीसीआर टेक्निक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है, तो तापनुसिंतन, ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है, आरडीटी का साधन नहीं है, तो आरडीटी का साधन नहीं है ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्या है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है जो बताइए, तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एंटीओक्सिडेंट्स द्वारा विश्लेषण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्रोटीन और एमिनो एसिड, प्रोटीन और एमिनो एसिड, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये 36 नंबर का क्या होगा, 36 नंबर का आपके पास हो जाएगा किससे संबंधित है, शुद्ध रेखा, शुद्ध रेखा। नेक्स्ट, मिमरी की उपयोगिता, तो मिमरी की उपयोगिता क्या होता है, संरक्षण के लिए, मिमरी की उपयोगिता संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, तो क्या होगा, 38 नंबर का शायद आंसर हो जाएगा आपके पास, वही कवक तथा पौधे के जड़ों, यानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परस्पर आश्रय होता है, तो परस्पर आश्रय क्या होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान नीचे होता है, तो ये इसका शायद 5.6 से भी नीचे होता है, तो 5.6 से नीचे। नेक्स्ट फिर क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, फोटोकेमिकल की बात है शायद, क्या होगा बताओ, क्या तुम लोग बनाया है फोटोकेमिकल, एक मिनट, फोटोकेमिकल में क्या होता बताओ, कोई दिक्कत है किसी को, चलिए क्या कमेंट कर रहा है, चलिए कोई कमेंट विशेष, तो शायद इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, पता नहीं शायद हमारे समझ से सी, अगर कोई गलती क्वेश्चन रह जाएगा तो हम उसको पिंच करवा देंगे, ठीक है ना, चलिए ऐसे गलती तो प्रयास नहीं रहता है। कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो होती है, 42 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिवृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूसा सुभरा एक किस्म है, तो पूसा सुभरा किसका किस्म है, तो शायद ये फूलगोभी का है, किसका है, फूलगोभी का है, शायद फूलगोभी का है, किसका है, फूलगोभी कलीफ्लावर। नेक्स्ट ठीक है, बिना निषेचन के पौधों को उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, बिना निषेचन के, तो बिना निषेचन के लिए आपका प्रत्यारोपण या कायिक प्रवर्धन, यानी आपका डी इज द राइट आंसर, या यानी ए और बी दोनों शायद होगा, पता ना। नेक्स्ट, ट्राइटिका मैक्सिडस एक हिस्सा गेहूं है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, तो शायद इसमें 30 गुण सूत्र होते हैं, 30 गुण सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्या है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल, तो शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या है, तो ये लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन क्या है, तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन क्या है, तो शायद बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा किसके लिए कार्यरत है, तो शायद इसका सी या बी कंफ्यूजन मुझे है, बट पता ना क्या होगा, सी ही शायद होता है, सी या बी दोनों में कोई कंफ्यूजन है, बाद में अगर गलती रहेगा तो हम करने एकाक करवा देंगे। क्या निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जित करता है,
निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जित करता है? मीथेन, धान का खेत, पशु, दीमक। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इसमें इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। पट्टी का क्या काम, तो कोपट्टी का कार्य क्या है, निषेचन को रोकना, निषेचन को रोकना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, जननांग मस्सा निम्न से किसके द्वारा फैलता है, जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलता है? ये शायद आपके वही हर्पिस विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्या है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक का उपयोग करता है, इसमें क्या हो जाएगा, सभी का उपयोग करता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, अनुवांशिक अभियंता जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, तो किसके द्वारा, किसके लिए संयोजन, तो इंसुलिन के लिए किया जाता है, इंसुलिन। नेक्स्ट, एक आध अगर एरर आ गया तो बाद में उसको पिंच कर देंगे, टेंशन न लेना। कौन सा संभाग डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है, तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, शायद प्लाज्मिड, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादन करता है, तो ये कौन सा करता है, तो ये आपका इको आरबी शायद, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थाने संरक्षण का तरीका नहीं है, तो तरीका नहीं है, तो ये पवित्र उपवन नहीं है कि मैटर बोला था शायद। नेक्स्ट फिर क्या, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण, मात्रात्मक यानी जो है वह मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, तो एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहता है, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन, फिब्रोइन होता है, फिब्रोइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसिन युक्त शक्ति राइटेन तथा प्रोटीना किसके किस्म है, ये किसके किस्म है, तो चावल के, गेहूं के, ये कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता था, शायद गेहूं के हैं, ये शायद गेहूं के हैं, कहीं कहीं राइस भी पता ना, गेहूं कैसे हैं। क्या पेनिसिलियम उत्पादित करता है सिस्टिबन, ये आपका दोनों हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, निषेचन आंतरिक होता है, तो निषेचन आंतरिक होता है सार्क में, सार्क में। नेक्स्ट फिर क्या, विभिन्न विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, तो ये क्या होगा, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, तो 64 का क्या होगा, तो ये एनावेना के साथ, एनावेना के साथ। नेक्स्ट, टाइपेटल कोशिका दर्शाती है, तो टाइपेटिकल कोशिका क्या दर्शाएगी, तो ये आपका एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, गुरु बीजाणु मातृत्व मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो ये आपका शायद गुरु बीजाणु, तो गुरु बीजाणु धानी, ये आपका सी इज द गुरु बीजाणु ही होगा, सी इज द राइट आंसर। मादा जंतु जिसमें मद चक्र होता है, ये कल भी आया था क्वेश्चन, सर पढ़ाए थे, हम भी देखे थे। 67 का क्या होगा, गाय इज द राइट आंसर, गाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो मानव शुक्राणु के, तो ये होता है सर गोल्जी काय द्वारा, गोल्जी काय द्वारा। नेक्स्ट 68 नंबर, 69, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है कोरियन द्वारा, कोरियन द्वारा, कोरियन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, इसमें शायद जनन कोशिका के विभाजन से होता है, 70 इज द राइट आंसर। चलिए, तो टाइम कम में मैंने कर दिया, हाँ चलिए, गलत देखो, अगर गलत होगा तो एक आध क्वेश्चन गलत होगा, ज्यादा गलत नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैक्सिमम होगा। अब एक दो क्वेश्चन देखो, हम क्योंकि जानता है हम मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी का आंसर लगवा रहे हैं, तो कोई सर लगवाए तो भी हम लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर एक आध अगर इरर रहेगा तो मैं उसको पिंच करवा दूंगा, परेशान नहीं रहना, ठीक है ना। अब एक दो के चक्कर में ऐसा नहीं है कि 70 के 70 गलती है, ठीक है। चलिए बता दो कौन सा गलत है, मैं उस पर एक्शन ले लूंगा। हाँ, कौन सा गलत है उस पर मैं एक्शन ले लूंगा, बता दो, जो कौन सा गलत है जो बता दो, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बताओ, अगर गलती हो तो, आप लोग को लग रहा है कि गलती है तो।
बताइए बताइए तो सही कौन सा गलत है जो। चलिए कौन सा गलत है, कौन सा क्वेश्चन पर एक्शन है कि सर ये क्वेश्चन गलत है। चलिए बता तो दो कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत है, है? है? तो कोई नहीं बोलता अब। चलिए पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना। 70 नंबर ये जनन कोशिका। चलिए ठीक है। देखो अब बायोलॉजी तो हम पढ़ाते नहीं है तो हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं, ठीक है ना। कायिक कोशिका। अब देखो जे आदमी बोलेगा जे तरह के बोलेगा। चलो ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कटने के बाद, सर ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, मुझको आंसर को फिर से सर से देखवा करके कर देंगे, ठीक है। चलिए और बाकी हिंदी का क्लास कीजिए शाम में 4 बजे। चलिए बाकी अब बायोलॉजी वाला सर से भेटते रहना। हाँ हिंदी क्लास होगा शाम में, हिंदी का क्लास कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप हिंदी के क्लास करिए, बाकी सब देखा जाएगा। चलिए।